भी एक घंटा नहीं मिल रहा है तो ये एक नापीद चीज है, इसके आने जाने का कोई वक्त नहीं है। पीडब्ल्यूडी और वापडा का भी सर जिम्मेदार है और मेन मौजूदा हुकूमत भी जिम्मेदार है। यहाँ पीपी की भी हुकूमत है, यहाँ नून की भी हुकूमत है, पीटीआई की भी हुकूमत है, ये सब के सब गद्दार है। और हमें बिजली एक घंटा नहीं मिल रहा है, दो घंटे में बिजली मिल रही है, आधा घंटा दे रहे हैं, आधा घंटे में से 15 सिंगल फेज 15 मिनट हमें थ्री फेज रख रहे। थ्री फेज में हम तीन मुलाजिम रख, दो मुलाजिम मेरे पास, वो दो मुलाजिम की तनख्वाह कहाँ से दे दूँ, दुकान के किराए कहाँ से दे दूँ, बच्चों का बाल पोस हम कहाँ से करें, बस इससे ज़्यादा नहीं दूँ। और इंतजामिया सुनता भी नहीं है और शहर के जो बाजिज लोग हैं वो भी हमारे नहीं सुनते, हमारे पास बच्चे हम उनके हवाले करेंगे और क्या करेंगे, दो साल से हमारे साथ ही हाथ। प्लीज, तो ये एक नापीद चीज़ है, इसके आने जाने का कोई वक्त नहीं है, कोई उनका दौरानिया नहीं होता है कि कितने घंटे के लिए आया, कितने मिनटों, हम मिनटों में हम नहीं हिसाब रख सकते कि यार ये 10 मिनट आया, 5 मिनट आया, ये एक नापीद चीज़ हो गई है। और मुझे लगता है यही हाल रही तो अगले आने वाली नस्लें कहेंगी कि बिजली नामी भी कोई शय होती थी, हमारे अजदाद कहा करते थे, तो सूरत हाल ये है। लेकिन हमें नहीं पता होता कि यार किस कितने घंटों के लिए आया, कितने दौराने के लिए बिजली आई, हमें नहीं पता चलता कब आई और कब गई का कोई अंदाज़ा नहीं। सर तो अभी तकरीबन 8 महीने से बिजली नहीं है, अभी आपके सामने बिजली आया कोई मेरा ख्याल 10 मिनट आ जाए, बाकी इससे पहले तकरीबन कल आया परसों तो आया, कोई पौने पौने घंटा है वो किसी काम का नहीं, मशीनें नहीं चलती उधर से देते लेकिन यहाँ मशीनें नहीं चलते, तो मुतासर तो सब मुतासर है, पूरा तकरीबन 8 महीने से बेरोज़गार है लोग। रात को हम आते तकरीबन घंटा सवा घंटे के, उसमें भी 4 दफ़ा वो डिम बंद करते, 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा बिजली नहीं आती, और सबसे ज़्यादा मुतासर ये मशीन एरिया होता है क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री है, इसकर्दों का सबसे बड़ा एरिया इंडस्ट्री मार्केट है, ये तो यहाँ काम हो गया नहीं, लोग गरीब लोग बैठा हुआ है, वापस लेकर दुकानों में सोया हुआ है, देखिए बाईस घंटे की इसकर्दों में लोड शेडिंग है। कि सर्दियों का सीज़न है कि गर्मियों का, अभी सीज़न आए हुए हैं, हमारे पास काम कोई नहीं है, वजह ये है कि हमारे पास बिजली नहीं है, अब जनरेटर चलाते हैं तो उसमें फ्यूल बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो कस्टमर के लिए ये अवेलेबल नहीं होता कि वो तेल अफोर्ड कर सके, तेल की रेट ना वो दे सकते हैं क्योंकि वैसे भी महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम अभी जनरेटर पर सुबह से काम कर रहे हैं तो पेट्रोल इतने महंगे हो गए कि आवाम जो है रेट बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम काम भी नहीं कर सकते, हमें बिजली की जो लोड शेडिंग है तकरीबन 30 घंटे की लोड शेडिंग है, एक घंटे आते हैं वो भी कोई टाइम टेबल नहीं है, 20 मिनट आते हैं चले जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है, तो हमें काम करने का कोई शुरू नहीं बने हुए, तो पूरा कारोबार ठप है हमारा। कहाँ गए वो ग्रांट जो स्पेशली रमज़ान के लिए दिया गया था कोई पर नहीं पता है, और सिचुएशन यही है कि लोड शेडिंग के जो नवंबर और दिसंबर में था वही सिलसिला आपकी जाए।